2021 की मुरली है। बाबा कहते हैं, सदा समर्थ कैसे बने? आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के मास्टर समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। एक है सदा समर्थ और दूसरे हैं कभी समर्थ। कभी व्यर्थ की तरफ ना चाहते भी आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि जहां समर्थ स्थिति है वहां व्यर्थ हो नहीं सकता, संकल्प भी व्यर्थ नहीं उत्पन्न हो सकता। बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चे की अब तक भी बाप के आगे फरियाद है कि कभी कभी व्यर्थ संकल्प याद को फरियाद में बदल देते हैं। चाहते नहीं है लेकिन आ जाते हैं। विकल्पों की स्टेज को तो मेजॉरिटीज में तक समाप्त कर लिया है, लेकिन व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना और सोचना, व्यर्थ समय गुआना, इसमें फुल पास नहीं है, क्योंकि अमृत वेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते, इसलिए अपसेट हो जाते हैं। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करेंगे तो स्वतः ही कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले जिनों को बोलते आईपी या बीआईपी कहते हैं, वह सदा अपने कार्य की दिनचर्या में को समय प्रमाण सेट करते हैं। तो आप कौन हो? वह भले बीआईपी है लेकिन सारे विश्व में ईश्वरीय संतान के नाते, ब्राह्मण जीवन के नाते आप भी बी आई बोलते बी आगे लगा दो तो भी कम है, क्योंकि आपके आधार पर विश्व परिवर्तन होता है। आप विश्व के नव निर्माण के आधार मुहूर्त बच्चे हो। बेहद के बाप अंदर हीरो एक्टर हो और हीरे तुल्य जीवन वाले हो तो कितने बड़े हुए। यह शुद्ध नशा समर्थ बना देता है और देह अभिमान का नशा नीचे ले आता है। आपका आत्मिक रूहानी नशा है इसलिए नीचे नहीं ले आता, सदा ऊंची उड़ती कला की ओर ले जाता है। तो व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है अपने मन बुद्धि की दिनचर्या सेट नहीं करते हो। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से सदा यूज नहीं करते हो। दूसरी बात है, बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। मनसा क्या स्मृति में रखना, हर कर्म में अपनी मनसा स्थिति का डायरेक्शन आज्ञा मिली हुई है और आप सब आज्ञाकारी बच्चे हो ना, वह बन रहे हो। आज्ञाकारी अर्थात बाप के संबंध से बाप के फुल स्टेप लेने वाले अर्थात कदम के ऊपर कदम रखने वाले है ना। और दूसरा नाता है सजनियों का, तो सजनी भी क्या करती है, उनको क्या शिक्षा मिलती है? साजन के कदम ऊपर कदम चलो, कदम के ऊपर कदम रखो तो आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखना यह सहज है या मुश्किल है? कहां कदम रखें ठीक है वा नहीं, यह सोचने की भी जरूरत नहीं है, सहज है। लेकिन सारे दिन में चलते चलते कोई ना कोई आज्ञाओं का उल्लंघन हो जाता है। बातें छोटी छोटी होती है लेकिन अवज्ञा होने से थोड़ा थोड़ा बोझ इकट्ठा हो जाता है। आज्ञाकारी को सर्व संबंधों से परमात्म दुआएं मिलती है, यह नियम है। साधारण रीति भी कोई किसी मनुष्य आत्मा के दक्षिण प्रमाण हांजी करकर कहकर के कार्य करते हैं तो जिसका कार्य
करते हैं उनके द्वारा उनके मन से उनको दुआएं जरूर मिलती है। यह तो परमात्म दुआएं है ना। परमात्म दुआओं के कारण आज्ञाकारी आत्मा सदा डबल लाइट उड़ती कला वाली होती है। साथ साथ आज्ञाकारी आत्मा को आज्ञा पालन करने के रिटर्न में बाप दादा बिल पावर विशेष वरदान सहज प्राप्त हो जाती है, वर्षे के रूप में मिलती है। तो ऐसे बिल पावर प्राप्त करने वाली आज्ञाकारी आत्मा वर्षा वरदान और दुआएं यह सब प्राप्तियां कर लेती है, जिस कारण सदा खुशी में नाचते हैं, वाह वाह के गीत गाते उड़ते रहते हैं, क्योंकि उनका हर कर्म उनको प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराता है। कर्म है बीज, जब बीज शक्तिशाली है तो फल भी ऐसा मिलेगा। तो हर कर्म का प्रत्यक्ष फल बिना मेहनत के स्वतः ही प्राप्त होता है। जैसे फल की शक्ति से शरीर शक्तिशाली रहता है, ऐसे कर्म के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति के कारण आत्मा सदा समर्थ रहती है। तो सदा समर्थ रहने का दूसरा आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। ऐसी समर्थ आत्मा सदा सहज उड़ते हुए अपनी संपूर्ण मंजिल बाप के समीप स्थित स्थिति को प्राप्त करती है। तो व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है अवज्ञा। बड़ी बड़ी अवज्ञा नहीं करते हो, छोटी छोटी हो जाती है। जैसे मुख्य पहली अवज्ञा है पवित्र बनो, काम काजी बनो, इस अज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं। भोली भोली माता भी इसमें पास हो जाती है। जो बात दुनिया असंभव समझती है उसमें पास हो जाते हैं, लेकिन उनका दूसरा भाई क्रोध उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। फिर होशियार भी बहुत हैं। कई बच्चे कहते हैं क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा रोब तो दिखाना है ना। क्रोध नहीं आता है, थोड़ा रोब रखता हूँ। जब असंभव को संभव कर लिया, यह तो उसका छोटा भाई है ना, तो इसको आज्ञा कहेंगे या अवज्ञा। इससे भी छोटी अवज्ञा अमृत वेले का नियम आधा पालन करते हो, उठ करके बैठ तो जाते हैं, लेकिन जैसे बाप की आज्ञा है उस विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हो। शक्तिशाली स्थिति हो, स्वीट साइलेंस के साथ साथ निंद्रा की साइलेंस भी मिक्स हो जाती है। बाप दादा अगर एक को अपने सप्ताह की टीवी दिखाएं तो बहुत मजा देखने में आएगा। तो आधी अगर हर एक को अपने सप्ताह की टीवी देखेंगे तो मजा आएगी ना। आधी आज्ञा मानते हो, नेमिनाथ बनते हो, लेकिन सिद्धि स्वरूप नहीं बनते, इसको क्या कहेंगे। ऐसी छोटी छोटी आज्ञाएं हैं, जैसे आज्ञा है किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो, ना दुख लो। इसमें भी दुख देते नहीं हो, लेकिन ले लेते हो ना। व्यर्थ संकल्प चलने का कारण यही है, व्यर्थ दुख लिया। सुन लिया तो दुखी हुए, सुनी हुई बात ना चाहते भी मन में चली जाती है। यह क्यों कहा, यह ठीक नहीं कहा, यह नहीं होना चाहिए। व्यर्थ सुनने देखने की आदत मन को 63 जन्मों से है, इसलिए अभी भी उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं। छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी बना देती है, और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। यह बहुत गुप्त गति है। जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते, ऐसे इस जन्म की छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ जैसी स्थिति चाहते हो वैसे अनुभव नहीं होता, वैसे अनुभवी करने नहीं देता। ब्राह्मणों की चाल बहुत अच्छी है। बाप दादा पूछते हैं कैसे हो, तो सभी कहेंगे बहुत अच्छे हैं, ठीक है।
फिर जब पूछते हैं कि जैसी स्थिति होनी चाहिए है तो चुप हो जाते हैं। इस कारण यह अवज्ञा का बोझ सदा समर्थ बनने नहीं देता। तो आज यही स्लोगन याद रखना है, ना व्यर्थ सोचो, ना देखो, ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ कर्म में स्वयं समय को गवाओ। आप बुराई से तो पार हो गए ना। अब ऐसी आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ। इसको कहते हैं सदा समर्थ आत्मा। सभी टीचर आर्टिस्ट हो, चित्र बनाना आता है, अपना श्रेष्ठ चरित्र का चित्र बनाना आता है ना। तो बड़े से बड़े चित्रकार वही है जो हर कदम में चरित्र का चित्र बनाते रहते हैं। इसी चरित्र का चित्र बनाने कारण ही वही है जो हर कदम में चरित्र का चित्र बनाते रहते हैं। तो टीचर अर्थात बड़े से बड़े चित्रकार अपना भी चित्र बनाते हैं और अन्य आत्माओं को भी चित्रकार बना देते हो। औरों को भी चरित्र श्रेष्ठ चरित्र बनाने के नियमित टीचर हो, इसी में ही बिजी रहते हो ना। फुल बिजी रहो, एक सेकंड में भी मन बुद्धि को फुर्सत में रखा तो व्यर्थ संकल्प अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। सुनाया है ना कि सेवा का प्रत्यक्ष फल सदा प्राप्त हो, यही निशानी है सदा आज्ञाकारी आत्माओं की। कभी सेवा का फल प्रत्यक्ष मिलता है और कभी नहीं मिलता है। इसका कारण है कोई ना कोई अवज्ञा होती रहती है। टीचर अर्थात अमृत वेले से लेकर रात तक हर आज्ञा के कदम पर कदम रखने वाली ऐसी टीचर हो, वह कभी कभी अलवेलापन आ जाता है। अलवेला नहीं बनना है, जिम्मेवारी के ताजधारी हो। कभी ताज भारी लगता है तो उतार देते हैं। आप उतारने वाले तो नहीं हो ना। सदा आज्ञाकारी माना सदा जिम्मेवारी के ताजधारी। टीचर तो सब हैं, लेकिन इसको कहेंगे योग्य टीचर। टीचर कभी कंप्लेन नहीं कर सकती, औरों को कंप्लीट करने वाली हो, कंप्लेन करने वाली नहीं। कभी ऐसे पत्र तो नहीं लिखती हो ना, क्या करें, हो गया, होना ही चाहिए था, वह तो समाप्त हो गया, सुनाया था, पत्र लिखो जरूर, मधुबन में पत्र जरूर भेजो, परंतु मैं सदा ओके हूँ, बस यह दो लाइनें लिखो। पढ़ने वाले को भी टाइम नहीं, फिर कंप्लेन करते कि पत्र का उत्तर नहीं आया। वास्तव में आप सबके पत्र का उत्तर बाप दादा रोज की मुरली में देता है। आप लिखेंगे ओके और बाप दादा ओके के रिटर्न में कहते हैं याद, प्यार और नमस्ते। तो यह रिस्पांस हुआ ना। समय को बचाना है, सेवा समाचार भी शॉर्ट में लिखो तो समय की नामी बोलते इकोनॉमी, कागज की भी इकोनॉमी, पोस्ट की भी इकोनॉमी, एकानामी हो सकती है। पत्र तीन पेज में भी लिखा जा सकता है। कोई को विस्तार से लिखने का डायरेक्शन मिलता है तो भर लिखो, लेकिन दो लाइन में भी अपनी गलती की क्षमा ले सकते हो। छिपाओ नहीं, लेकिन शॉर्ट में लिखो कितने पत्र लिखते हो जिसका कोई सार नहीं होता। बाप को कहा कहो मेरा यह काम कर लो, मेरे को ठीक कर दो, मेरा धंधा ठीक कर दो, मेरी पत्नी को ठीक कर दो। ऐसे पत्र एक बार नहीं 10 बार भेजते हैं तो अब एक नामी के अवतार बनो और बनाओ। सभी को मेला अच्छा लगता है ना। दुनिया वाले कहते हैं 2 दिन का मेला और आप 4 दिन का मेला। सभी को पसंद है ना, यह है ना मेला। चारों ओर के सदा समर्थ आत्माओं को, सदा हर कदम में आज्ञाकारी रहने वाले आज्ञाकारी बच्चों को, सदा व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को,
सदा अपने चरित्र के चित्रकार बच्चों को समर्थ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान सुनेंगे, स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले माया जीत विजयी भव, स्वयं को सेवाधारी समझ अपनी रुचि उमंग से सेवा में बिजी रखो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जब संकल्प से बुद्धि से चाहे स्थूल कर्मणा से फ्री रहते हो तो माया चांस ले लेती है, लेकिन स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रीति से खुशी खुशी से सेवा में बिजी रहो तो खुशी के कारण माया सामना करने का साहस नहीं रख सकती। इसलिए स्वयं ही टीचर बन बुद्धि को बिजी रखने का डेली प्रोग्राम बनाओ तो माया जीत विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, निश्चय और फलक से कहो मेरा बाबा मेरे साथ है तो माया समीप नहीं आ सकती। ओम शांति।